आपकी फिका अर्फी तारीफ है, अरब फिका अर्फी में गंदे तरीन मसायल है, मसलन मां बहन से निकाह कर लो तो हद नहीं, हालांकि जानी पर हद शरी होती है। जवाब दे क्या? देखिए मसला पूरा सामने आ जाए तो बात वैसी खत्म हो जाती है। हमारी फिका हनफी का मसला यह है कि मां बहन से निकाह करना बहुत दूर की बात है, सिर्फ कोई इतना कह दे कि बहन से निकाह जायज है वो उसी वक्त काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल। आप किसी हनफी मदरसा से फतवा ले लें, फतवा कदीर उठा के देखें, तहावी उठाकर देखें, जो ये कहता है कि मां या बहन से निकाह हलाल है, जायज है, वो काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। बात समझ आई? अब अगली बात समझे, फिका हनफी उस पर जिना की हद नहीं लगाती, मुर्तद समझ के कत्ल करवाती है, और ये कहते नहीं वो मुसलमान ही है अभी, इसलिए उस पर जिना की हद लगाओ, कत्ल ना करवाओ। दुर्रे मुख्तार के अल्फाज हैं, मैं यकून ताजीर बिल कत्ल का मन वजद राजमा इमरतिन ला यहिल्ला। अबू दाऊद में भी यही सजा है कत्ल की। हजरत अबू बुरदा बिन नियार को हजूर पाक ने भेजा कि फला आदमी को कत्ल कर दो, उसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया है। तो कत्ल करना जिना की हद नहीं है, इर्तदाद की हद है। अब ये कहते हैं कि अगर किसी गैर मुकल्लद ने अपनी बहन से निकाह कर लिया तो दोनों को 100-100 जूते मार के छोड़ दो ताकि दूसरी से भी कर ले फिर। और खुदा ने खास्ता अगर फिका हनफी का कानून लागू हो गया, उसी वक्त दोनों को कत्ल कर दिया तो बाकी बहनें किसका मुंह देखेंगी? तो गैर मुकल्लदों की पैदावार ही बंद हो जाएगी, कहां से होंगे पैदा? इसलिए वो बेचारे तंग हैं। अब देखिए पूरा मसला सामने अगर बताएं, ये एक दफा दो मौलवी साहबान आ गया 10-12 साथ और दुर्रे मुख्तार खोल के बैठ गया। जी लिखा है कि हद नहीं। मैंने कहा आगे कुछ लिखा है? कि लिखा है ताजीर है। मैंने कहा कितनी ताजीर लिखी है? 2-3 थप्पड़ मारना कहता है। मैंने कहा लिखा है यहां कि नहीं? इतनी होती है ना। मैंने कहा ये कानून की किताब है, यहां इतना आ गया कि हद नहीं, इससे अगला बाब ताजीर का है। मैंने खोल कर दिखाया, लिखा है कि कत्ल किया जाएगा। वो जो 10-12 लिखा जी इसी किताब में लिखा है। मैंने कहा ये खुद लेके आया, इसी में लिखा हुआ है हमारी किताब में। तो ये अब तक झूठ बोलते रहे हमारे पास कि ये उनकी किताबों में ऐसे मसाइल लिखे हुए हैं। मैंने कहा बात सिर्फ यही है, फिर हद ना होने का मतलब भी समझे कि हद ना होने का माना क्या होता है। रावलपिंडी के मुनाजरे में इन्होंने यही इबारत पेश की, इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। हद ना होने का माना कभी तो कहते हैं जायज है, और कभी कहते हैं कि गुनाह नहीं। तो मैंने वहां भी पूछा था, आपसे पूछता हूं, उलमा हजरात भी मौजूद हैं, कि भाई अगर कोई आदमी शराब पी ले तो कितने कोड़े हद है? जी रऊची कह दे 80 कोड़े है ना हद। और अगर कोई पेशाब पी ले फिर कितने कोड़े हद है? नहीं। अब अंदाजा लगाओ कि शराब पर हद है, पेशाब पीने पर किसी हदीस में हद नहीं। मैंने कहा या हदीस सुनाओ कि हद है, और या फिर पी के दिखा दो आज, क्योंकि आपका मतलब ये होता है ना कि हद अगर ना हो तो काम जायज है। तो देखिए पूरा मसला हमारा यही है कि अगर निकाह को सिर्फ जायज कह दे वो उसी वक्त काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। उलमा हजरात मौजूद है, फतुल कदीर में लिखा है, किसी हमारे मदरसे से फतवा मंगवा ले, वो कहते हैं कि है ये हुरमत कती है और इसका इनकार करने वाला काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है। दूसरी बात आपसे पूछता हूं कि नमाज 5 वक्त फर्ज है ना, इसका हिसाब होना है जी? वो तो आई नहीं इनको। तो यहां किसी ने निकाह किया है मां या बहन से जो रुका आ गया जी? यहां मां या बहन से निकाह को जायज कहा है? नहीं कहा ना। किसी ने उसका निकाह किया है तो अल्लाह बंदो तुमसे पूछा ये जाना है जो तुम कर रहे हो। नमाज सबसे पहले पूछी जानी है, वो नमाज सिखा दो कि क्या है और किस तरह पूरी नमाज पढ़ी जानी चाहिए।